तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल करके कैसे 1.5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की कोई भी वोल्टेज को आराम से पा सकते हो। जैसे कि 12 वोल्ट हो गया, 9 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, आप उसको आराम से इसकी दौरान पा सकते हो। तो एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ 1 रुपया आपका खर्च होगा लेकिन आपका काम बन जाएगा। तो इसके लिए आपको इस मोबाइल चार्जर की सर्किट को निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसका सर्किट को निकाल देता हूँ। तो देख सकते हो इसका सर्किट को निकाल दिया हूँ। ये हमारा चाइना मोबाइल चार्जर है और ये जो दो रेड कलर की वायर देख रहे हैं ये हमारा एसी वोल्टेज के लिए इनपुट है और ये दो नो वायर हमारा डीसी वोल्टेज के लिए आउटपुट है। तो इस प्रकार से इसका वायरिंग मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैंने इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो कि ये हमारा 5 वोल्ट चार्जर नहीं है, आप कोई गलत चार्जर दिखा रहे हो। तो मैंने यहाँ पर चार्जर को बोर्ड में लगा देता हूँ और यहाँ पर मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को इस चार्जर की डीसी आउटपुट वाली सेक्शन में लगा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 5 वोल्ट दिखा रहा है हमारा मल्टीमीटर में, यानी कि ये हमारा 5 वोल्ट की मोबाइल चार्जर है। और यहाँ पर इस चार्जर सर्किट में क्या काम करना पड़ेगा अभी बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कैपेसिटर के पास एक जिनर दिखा रहा है, यानी कि जिनर डायोड दिखा रहा है। तो इस जिनर डायोड को आपको निकालना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। तो वो वाला जिनर डायोड की यहाँ पर सिंबल दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर एक 6 वोल्ट वाली जिनर डायोड को ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 12 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट की जिनर डायोड नहीं था। आपको जितना भी वोल्टेज चाहिए आप उतना ही वोल्टेज का जिनर डायोड लीजिए। तो उस जिनर डायोड को आपको यहाँ पर सोल्डरिंग करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहली वाली जिनर डायोड को यहाँ से निकाले थे। तो उस जिनर डायोड की जैसा कनेक्शन था, इस जिनर डायोड का भी कनेक्शन हमें उस प्रकार से करना पड़ेगा। तो आपको उसका कनेक्शन याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इस जिनर डायोड को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 6 वोल्ट की जिनर डायोड को यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो अभी मैंने इस मोबाइल चार्जर को दोबारा बोर्ड में लगा के इसका वोल्टेज मल्टीमीटर के दौरान आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को ले रहा हूँ और मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को यहाँ पर इसका आउटपुट वाली सेक्शन में चेक करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा 6.50 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारा 6 वोल्ट की जिनर डायोड था तो यहाँ पर हमारा 6.50 वोल्टेज आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना मोबाइल चार्जर को हैक कर सकते हो, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हो। आपको जितना भी वोल्टेज चाहिए आप उतना वोल्टेज का जिनर डायोड लगाइए और अपना वोल्टेज आराम से पा जाइए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए मैं रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।